बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कैंस फिल्म फेस्टिवल में छाई हुई हैं। कैंस 2022 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं दीपिका पादुकोण, और हर रोज उनका इस फेस्टिवल से एक नया लुक सामने आता है और हर बार वो अपने फैंस को सरप्राइज कर देती हैं। लेटेस्ट दीपिका पादुकोण रेड कार्पेट पर वॉक करती नजर आई एक फेदरी ब्लैक गाउन में, जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी। इस बॉडीकॉन गाउन को दीपिका ने एज यूजुअल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट किया। सोशल मीडिया पर उनके इस लुक की तस्वीरें वायरल हो चुकी है एंड फैंस कैन नॉट कीप काम, सभी दीपिका की तारीफ कर रहे हैं। एक्ट्रेस को देखा जा सकता है नूडल स्ट्रैप्ड ब्लैक बॉडीकॉन गाउन में, जिसके साथ एक प्लंगिंग नेक लाइन है जो इस लुक को काफ़ी ज़्यादा हॉट बना रही है। इसे कंप्लीट किया दीपिका ने एक मैसी टॉप बन के साथ, जहां उन्होंने एक्सेसरीज को कम से कम रखा, वहीं उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस रहा। दीपिका की कोल्ड आईज यहां पर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लग रही हैं रेड कार्पेट के लिए, और इसके साथ उन्होंने अपने न्यूड लिप्स को फ्लॉन्ट किया। रेड कार्पेट पर एज यूजुअल दीपिका पादुकोण फुल पनाश और चार्म के साथ वॉक करती नजर आई। दीपिका ने इसी आउटफिट के फोटोशूट की भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है और फैंस को वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं उनकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए। इसके अलावा दीपिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वो शाहरुख खान की कमबैक मूवी पठान का हिस्सा है। ये वन ऑफ द मच अवेटेड प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही दीपिका जल्दी ही ऋतिक रोशन के साथ भी फर्स्ट टाइम स्क्रीन स्पेस शेयर करती दिखेंगी फिल्म फाइटर में, जो कि फुल ऑन एक्शन मूवी है। दीपिका प्रभास के साथ भी जल्दी दिखेंगी प्रोजेक्ट के में, और ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा द इंटर्न में वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करती दिखेंगी।